हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एनालिटिकल वीडियो में जिस कंपनी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो जानी मानी कंपनी प्रिंस पाइप है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रिंस पाइप पाइप एंड फिटिंग्स वाले सेगमेंट में काम करती है और इसके जो मेन कंपिटिटर हैं वो एस्ट्रल हैं और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इतनी करेक्शन के बाद, इतनी बिकवाली के बाद और सारे के सारे स्टॉक जिसमें सबकी अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है, ऐसे परिस्थिति में क्या प्रिंस पाइप में हम लोग निवेश की राय बना सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप व्यूअर्स से कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियो लगातार आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रिंस पाइप के जो फिनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसको एक बार चेक करते हैं कि प्रिंस पाइप सतही तौर पर किस प्रकार की कंपनी समझ में आ रही है। तो प्रिंस पाइप के मार्केट कैप की बात करें तो ये तकरीबन 7000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। वर्तमान में इसका भाव 627 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 101 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23.8% है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.8% देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहे हैं। वहीं डेट इक्विटी की बात की जाए तो ये 0.14 देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल जोन में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव 44.6% देखने को मिल रहा है। अगर इसके शेयर प्राइस के हाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 900 रुपए के आसपास। वहीं 52 वीक लो की बात की जाए तो ये 402 रुपए के आसपास। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने 52 वीक लो से काफी ऊपर और 52 वीक हाई से काफी नीचे ये चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर है दोस्तों वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव होने चाहिए। अगर हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग की भी बात करते हैं तो वो भी ये तकरीबन 63% देखने को मिल रहा है, जो बेहतरीन है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे कि हम लोग डेट पेइंग कैपेसिटी की तरह भी यूज करते हैं, वो 25 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो कहीं भी किसी प्रकार से इस कंपनी के फंडामेंटल सतही तौर पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि खराब है, ये बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी हम लोगों को फंडामेंटली काफी स्ट्रांग मिलनी चाहिए। तो अब हम लोग वापस आते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट पर कि टेक्निकल चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफी दिनों से, ये देखिए काफी दिनों से कंसोलिडेशन के मोड में चल रहा है। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए कि कितने दिनों से चल रहा है तो ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट जून से यानी कि 2021 जून से ये लगातार कंसोलिडेशन में चल रहा है। और ये नवंबर महीने में ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था लेकिन उसके बाद इसमें लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर के हम लोग बोले तो पिछले एक साल से ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो मार्केट में तो दोस्तों काफी गिरावट हुई लेकिन उस प्रकार से इस स्टॉक में बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके चार्ट भी जो सजेस्ट कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग मिलने चाहिए। तो हम लोग इस बात को इनके फाइनेंशियल डेटा से भी जरूर कंपेयर करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल
पैरामीटर हम लोगों ने इस वीडियो के शुरू में देखा था, क्या वो सही है, उसके बाद ही हम लोग इस कंपनी पर अपनी निवेश की राय बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। एनुअली अगर इसके रेवेन्यू को कंपेयर किया जाए दोस्तों, तो इसके रेवेन्यू लगातार देखिए ईयर ऑन ईयर लगातार काफ़ी हाई ग्रोथ से बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। और चूंकि अभी तक सारे कंपनियों के 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और अब 4th क्वार्टर के रिजल्ट दोस्तों आने बाकी हैं, जो कि किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकती है, तो हम लोग इस रेवेन्यू ट्रेंड को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके जो 4th क्वार्टर के रिजल्ट होंगे वो भी काफ़ी अच्छे आएंगे। और अगर ओवरऑल एनुअल रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू के मामले में ये इस बार भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा पाने में सफल रहेगी, इसके ट्रेंड ही सजेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों एनुअल बेसिस पर नेट प्रॉफिट के ट्रेंड की, तो नेट प्रॉफिट के मामले में भी देखिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा पाने में ये कंपनी कामयाब रही है, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसने अपने बिजनेस को रन किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों रिजर्व की, कि सेम पीरियड में इनके रिजर्व बढ़े कि नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि 2017 में ये 196 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ था इनके बैलेंस शीट में, जो कि 2021 आते आते 930 करोड़ का हो चुका है। तो इनके रिजर्व में दोस्तों ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का इजाफा हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही है और रिजर्व को भी बढ़ा रही है, तो बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी हम लोगों को ये समझ में आ रही है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स के रेवेन्यू की बात की जाए तो ये काफ़ी आकर्षक देखने को मिल रहे हैं। इनके ओवरऑल जो रेवेन्यू है क्वार्टरली बेसिस पर वो तकरीबन 600 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों कि जून क्वार्टर में मात्र 330 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, लेकिन आप सभी को याद होगा कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में लॉकडाउन देखने को मिला था, इसलिए यहाँ पर जून क्वार्टर में इनके रेवेन्यू काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस रेवेन्यू को हम लोग इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो हम लोग ओवरऑल बोलें तो ये 600 करोड़ से ज़्यादा का क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो इनके नेट प्रॉफिट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। दिसंबर 2020 में ये 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट पर रिपोर्ट की थी, जो कि मार्च 2021 में बढ़ करके 97 करोड़ हो गया। जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि वहां पर उस पीरियड में लॉकडाउन देखने को मिला था, लेकिन सितंबर 2021 में इनका नेट प्रॉफिट 76 करोड़ हो गया। फिर दिसंबर क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं ये घट करके 67 करोड़ हो गया। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, तो आपको याद होगा कि जो क्रूड ऑयल है वो नवंबर महीने से लगातार अप मूव दिखा रहा है, और जो पाइप्स एंड फिटिंग्स वाली जो कंपनियां हैं, चाहे और भी ऐसी कंपनियां जिनके रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डिपेंडेंट होते हैं, तो हम लोग यहां पर देखें क्रूड ऑयल के बढ़ोतरी के साथ सारे के सारे इस प्रकार के कंपनियों के मार्जिन श्रिंक होते हुए देखने को मिले हैं, जिसके चलते इनके रेवेन्यू तो हम लोगों ने अभी बढ़ते हुए देखा, लेकिन नेट प्रॉफिट में दबाव देखने को मिल रहा है। और अभी भी क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड कंडीशन में है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसके जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे दोस्तों उसमें भी हम लोगों को इसके नेट प्रॉफिट में दबाव देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं दोस्तों कि इसके जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट जो देखने को मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, और इन्हीं सब कारणों से दोस्तों हम लोग यहाँ पर अभी देखे थे कि इसके जो शेयर प्राइस में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं दोस्तों इसके प्राइस में फैक्टर इन है। तो अब बात आती है दोस्तों कि हम इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए प्रिंस पाइप के स्टॉक में, चूँकि फंडामेंटली तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है,
तो थोड़ा सा हम लोग अपना होरिजन लंबा कर लेते हैं और प्रिंस पाइप और एस्ट्रल के जो रिटर्न है उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों कंपनियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वन मंथ में प्रिंस पाइप का तकरीबन 2.5% का निगेटिव रिटर्न, वहीं एस्ट्रल 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा पाने में सफल रही है। 6 मंथ में बात करें दोस्तों तो 6 मंथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रिंस पाइप तकरीबन 9% गिरावट दिखा चुका है, वहीं एस्ट्रल तकरीबन 7% की गिरावट दिखाया है। ईयर टू डेट की बात करें दोस्तों तो ईयर टू डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रिंस पाइप तकरीबन 10% का और एस्ट्रल 14% का गिरावट दर्ज कर चुका है। वहीं एक साल की बात करें दोस्तों तो प्रिंस पाइप काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 50% का ग्रोथ दिखाया है, वहीं एस्ट्रल ने 25% का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात की जाए दोस्तों तो 5 साल में प्रिंस पाइप ने 300% का रिटर्न और एस्ट्रल ने 500% का रिटर्न दिखाया है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि प्रिंस पाइप और एस्ट्रल ऑलमोस्ट 5 इयर्स में लगभग काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर एस्ट्रल से कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को एस्ट्रल लेना चाहिए या प्रिंस पाइप लेना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा इसके और भी पैरामीटर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जो एस्ट्रल का पी रेशियो है वो तकरीबन 78 देखने को मिल रहा है, वहीं पर प्रिंस पाइप का जो पी रेशियो है वो 27 देखने को मिल रहा है। तो प्रिंस पाइप यहाँ पर मुझे सस्ता देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों सीएमपी वर्सेस बुक वैल्यू की, तो यहाँ पर एस्ट्रल 19 times देखने को मिल रहा है, वहीं पर प्रिंस पाइप 6 times देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी इस मामले में भी प्रिंस पाइप मुझे सस्ती देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ वेरिएशन की बात करें तो दोनों के जो सेल्स ग्रोथ वेरिएशन है वो सेम है, तो दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, दोनों के जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 इयर्स के वो लगभग समान है, तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। अब अगर हम लोग और भी पैरामीटर यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या हिसाब किताब देखने को मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि नेट प्रॉफिट के मामले में एस्ट्रल तकरीबन 13% का मार्जिन रखती है, वहीं पर एस्ट्रल जो है दोस्तों ये तकरीबन 11% का मार्जिन रख करके काम कर रही है। तो एस्ट्रल काफी पुरानी कंपनी है दोस्तों, इसलिए इसके मार्जिन 13% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 11% के मार्जिन के साथ प्रिंस पाइप भी बुरी नहीं देखने को मिल रही है, चूंकि इसके वैल्यूएशन सस्ते देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे इस कारण से इन लेवलों पर प्रिंस पाइप काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इन स्तरों पर हम लोग प्रिंस पाइप में निवेश करके चलें तो आने वाले समय में प्रिंस पाइप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और हम लोगों का रिटर्न भी काफी अच्छा हो सकता है। ऐसा ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपके व्यू दोस्तों डिफरेंट हो सकते हैं और होने भी चाहिए, तो आपके व्यू डिफरेंट क्यों है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करोगे। और दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अलग स्टॉक के बारे में एनालाइज करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।